नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो है मेरे चैनल का दूसरा फेस कैम वीडियो है, और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक सवाल को लेके ये टॉपिक है जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली हमसे व्यूअर्स और हमारे पेशेंट प्लस डॉक्टर लॉबी के अंदर भी ये सवाल बार बार सामने आता है कि विच मेडिकेशन इज़ बेटर, जर्मन मेडिकेशन और इंडियन मेडिकेशन। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक ज़माना हुआ करता था कि जब इंडियन फार्मेसी और इंडियन होम्योपैथिक फार्मेसी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था, उस ज़माने में ये बात अक्सर उठाई जाती थी कि विच मेडिकेशन इज़ बेटर। तो तब जवाब बड़ा सिंपल सा हुआ करता था कि हाँ, तब जर्मन मेडिकेशन, जर्मनी का प्रोडक्शन होता है होम्योपैथिक दवाओं का, जैसे कि शॉबे हो गया, WSI हो गया, और उसके अलावा रैगबैग हो गया। तो ये जो मेडिकेशन है इसको तब बहुत अच्छा माना जाता था। पर दोस्तों, पिछले कुछ सालों में, मैं बोलूँ पिछले 5 से 7 सालों के अंदर, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, उससे एक चीज़ जो परिवर्तन हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में दोस्तों इंडियन मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो अब हम बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हैं कि हमको सिर्फ जर्मन मेडिकेशन ही खरीदना है या हमको जर्मनी की ही बनाई हुई दवाएं लेनी हैं। तो आज की तारीख के अंदर जितनी भी होम्योपैथिक कंपनीज हैं जो इंडिया के अंदर बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, जैसे कि SBL हो गया, मेडिसिंथ हो गया, बैक्सेन हो गया, RS भार्गवा हो गया, फादर मुलर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं जितनी भी मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ वो सब आपको बिल्कुल एक आपको पैकिंग दिख रही है। तो ये मैं अपने क्लिनिक में आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बेसिकली राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि मेरे गुरुजी जिनसे मैंने ये प्रैक्टिस सीखी थी भोपाल के अंदर ही, वो जो है वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो फादर मुलर यूज़ कर रहे थे, तो मैंने भी फादर मुलर को ही अपनाया। और दोस्तों, यकीन मानिए, इन मेडिसिन जो इंडियन मेडिसिन हैं उनके सिंगल डोज का नतीजा इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपको यू हैव टू नेवर एवर थिंक अबाउट टू परचेज द जर्मन मेडिकेशन। तो आज की तारीख में जितनी भी कंपनियां हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गई हैं, और वो उनमें से ज़्यादातर आज की तारीख में GMP सर्टिफाइड हैं। तो दोस्तों, इसलिए आपको बिल्कुल भी आवश्यकता या नेसेसिटी नहीं है कि आप जर्मन मेडिकेशन को यूज़ करें। और जर्मन मेडिकेशन को जब हम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों की मेडिसिन के जो चार्जेस होते हैं, जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर अपने पेशेंट से चार्ज करता है, वो ज़्यादा होता है। और होम्योपैथी का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज जो है कि जो होम्योपैथी है दैट इज़ द चीपर पैथी, ये पेशेंट को बहुत कम रेट में अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं इस एडवांटेज को ही हम अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे तो फिर होम्योपैथी का जो एडवांटेज है वो एक एडवांटेज लोगों के लिए कम हो जाएगा। तो आज की तारीख में आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आप जर्मन मेडिसिन को यूज़ करें। और अबो ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझिए कि जर्मन की जो शॉबे जैसी कंपनियां हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनने पैकेजिंग प्लांट आज की तारीख में इंडिया में ही डाल के रखे हैं। तो सिर्फ उनका ब्रांड, उनका जो टैग है वही जर्मन रह गया है। पर असल में अगर आप आज की तारीख में महंगी जर्मन दवाएं यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात समझ लीजिए कि आप भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप इंडियन मेडिसिन ही यूज़ कर रहे हैं, बस उसका ब्रांड नेम जो है वो जर्मन है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपना कन्फ्यूजन इससे आप लोग क्लियर कर पाएंगे कि जर्मन मेडिकेशन वर्सेस इंडियन मेडिकेशन को लेकर जो एक डिबेट थी उसके जवाब में मैं कुछ मदद कर पाया हूँ। तो दोस्तों, बहुत जल्द अगले फेस कैम वीडियो और दूसरे वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।